और जीत के लिए चाहिए बस 6 रन। 10 ओवर पड़े हैं मगर विकेट भी तो आखिरी है। ऐसे में कप्तान ने बॉल दी सचिन के हाथ में। सचिन द बैट्समैन जो कि इस मैच में फ्लॉप रहा था, उसने पूरे मैच में अभी तक एक भी बॉल नहीं डाला था। अब ये एक करो या मरो की स्थिति हो चुकी थी। जैसे तैसे करके अभी तक तो उन्हें बांध के रखा था, लेकिन अब ये वेस्टइंडीज रुकने वाली नहीं थी। ये इसी ओवर में मैच जीतने वाले थे। पहले 2 सिंगल और फिर वो ट्रिपल, स्कोर बराबर हो गया। सचिन के ओवर की आखिरी बॉल और आखिरी विकेट, और ये बैट्समैन का तीखा एज स्लिप्स में अजरुद्दीन के हाथ, और ये तो चमत्कार हो गया। 126 का स्कोर, वो भी माइटी वेस्टइंडीज के आगे डिफेंड हो गया। कहने को तो ये मैच टाई हुआ, लेकिन ये टाई जीत से कम नहीं थी। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि इंडियन टीम का नया कप्तान एक यंग टीम को लीड कर रहा था, वो भी माइटी वेस्टइंडीज के सामने। तो आखिर कैसे किया अजहर ने ये चमत्कार, फुल डिटेल में जानेंगे हमारी आज के इस एपिसोड द मोस्ट अंडररेटेड कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट में। बात है 1991 की, जब ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में बेंसन एंड हेजेस कप नामक ट्राई सीरीज खेली जा रही थी, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज हिस्सा ले रही थी। ऑस्ट्रेलिया जिसे एलन बॉर्डर लीड कर रहे थे, वो टीम रोड मार्श, डीन जॉन्स, स्टीव वॉ, टॉम मूडी, इयान हैली, डेविड बून जैसे दिग्गजों से भरी पड़ी थी। वहीं माइटी वेस्टइंडीज को लीड कर रहे थे रिची रिचर्डसन, जिनके तर्कश में थे वेस्टइंडीज के बड़े मैच विनर्स डेसमंड हैंस, ब्रायन लारा, कार हूपर और खुद कप्तान जैसे सुपरहिट बैट्समैन जो कि अकेले ही मैच निकाल ले जाया करते थे। साथ ही मेलकम मार्शल जैसे हरफन मौला दिग्गज, एंडरसन, कमिंस, पैटरसन, खलनायक, कर्टली, एम्ब्रोस जो कि सामने बल्लेबाजों के जबरे तोड़ने में माहिर थे। इन्हें देख तो साफ ऐसा लग रहा था कि भेड़ियों ने बेचारे मेमने को दबोच लिया हो, क्योंकि हमारे पास कछुए से ज्यादा स्लो रवि शास्त्री थे, जिनकी घटिया ओपनिंग और ओवर डिफेंसिव अप्रोच ने हमारी लंका लगा दी थी। बेचारे श्रीकांत जो भी हमें तूफानी शुरुआत देते, शास्त्री हर बार उसका नाश मार देते। अच्छे खासे तेज तरार स्टार्ट को न्यूट्रल कर देते शास्त्री जी और संजय मांजरेकर, जो कभी कभार कोई अच्छी इनिंग्स खेल देते। सचिन में टैलेंट तो खूब था, पर अभी तक वो बैटिंग पोजीशन और जिस तरह उन्हें ट्रीट किया जाता, उनके टैलेंट के साथ न्याय नहीं करती थी। हमारे विकेट कीपर तो बैटिंग में कुछ खास करते न थे। कपिल की पेस इंजरी के चलते काफ़ी गिर गया था। श्रीनाथ के पास पेस तो था, मगर फास्ट बॉलर का वो स्टैमिना और फिजिक नहीं। मनोज प्रभाकर का भी हाल डामाडोल ही था, पेस ना होने की वजह से वो उतने इफेक्टिव न थे। कुल मिलाकर जहां बाकी दो टीमें खूंखार लग रही थी, हमारी नैया बीच मझधार गोते खा रही थी। कोई गारंटी नहीं थी कि हम कोई मैच जीत भी पाते। फैंस को हमसे कोई उम्मीद नहीं थी। ऊपर से नया कप्तान अजहर, कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। बस डर और नर्वसनेस था, क्योंकि बाकी दोनों टीमों का पलरा हमसे भारी था। ऑस्ट्रेलिया तो हाल ही में वर्ल्ड कप भी जीत कर आई थी। खैर, इस सब मलाल किंतु परंतु के बीच शुरू हुआ इस सीरीज का पहला मुकाबला, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। आज रिची रिचर्डसन ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का डिसीजन लिया, जो कि काफी सही साबित हुआ। अब शास्त्री ने तो वही अपना कछुए वाला खेल शुरू कर दिया, और उनका गेम अब ऐसा था जो कि उनकी टीम से ज्यादा दूसरी टीम को फायदा देता था, इसलिए उन्हें ना आउट करके ही बॉलिंग टीम खुश थी। लेकिन श्रीकांत एक बड़ा खतरा थे, और एक एक करके सारे विकेट ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। वेस्टइंडीज के ये शिकारी बॉलर हमें कच्चा चबा गए, और हमारे बल्लेबाजों के पास उनकी आग उगलती गेंदों का कोई जवाब न था। कर्टली एम्ब्रोस के आगे तो किसी की एक ना चली। 8.4 ओवर, 3 मैडन, सिर्फ 9 रन और 2 विकेट। भारत महज 126 रनों पर ऑल आउट हो गया। टॉप स्कोरर रहे 110 बॉल में कंट्रोवर्शियल 33 रन बनाने वाले शास्त्री, लेकिन आज ये शास्त्री के टिक कर खेलने वाले ही रन थे, जो कम से कम हमें 100 का आंकड़ा पार करा दिया। ये तो वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा आसान काम लग रहा था, बड़ी इजी चेज। सिर्फ 126 रन, ये तो उनके ओपनर नाश्ते पानी में खा जाते। लेकिन उस इनिंग्स ब्रेक में कैप्टन अजरुद्दीन ने सिर्फ एक बात कही थी, तो क्या हुआ अगर 126 ही रन है, हमने भी बनाए हैं, उन्हें भी बनाने होंगे। गेम ऑन।
अब वैसे तो ये माइटी वेस्ट इंडीज के लिए 300 भी चेज करना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन ये बिलीफ था इंडियन कैप्टन का, इंडियन टीम का, जिसने फाइट करने का मन बना लिया था और ठान लिया था कि आसानी से ये स्कोर नहीं बनने देंगे। और बस वही हुआ। जब वेस्ट इंडीज इनिंग शुरू हुई, पहले ही बॉल पर कपिल देव का हैंस को आउट करना इस मैच में जान डाल दिया, और देखते ही देखते बस 69 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज के 7 बैट्समैन आउट। क्या हुपर, क्या लारा, सब चलते बने, लेकिन वेस्ट इंडीज ने फाइट की, पार्टनरशिप लगाई, फाइनली स्कोर 113 रन पर 9 विकेट। मगर लास्ट बैट्समैन में भी दम था, इक्के दुक्के चलाए रखे, और अब मैच आ पहुंचा सबसे रोमांचक मोड़ पर। विकेट निकालने के चक्कर में अजहर ने अजीबो गरीब टैक्टिक्स लगाए और सिर्फ 4 बॉलर्स लगाए, जिन्होंने अपने 10-10 ओवर के स्पेल कर दिए थे। अब 40 ओवर पूरे हो गए, मगर चाह कर भी उनके पास बॉलिंग की अथॉरिटी नहीं, चाहे वो 3 विकेट लेने वाले बैनर्जी या गेम चेंजर कपिल देव, ना ही मैच विनर श्रीनाथ। ऐसे में हार कर एक ही ऑप्शन बचे, सचिन तेंदुलकर। लेकिन सचिन ने तो पूरे मैच में एक भी ओवर नहीं किया था, बेचारे 19 साल के बच्चे को कहां फंसा दिया। ना कोई मेन बॉलर और ना ही कोई स्पिनर, बस सारी बात आ गई सचिन पर, सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। कहने को तो 10 ओवर थे, लेकिन 10 का काम एक ही ओवर में करना था हर हाल में। अब वेस्ट इंडीज को रन चाहिए थे 6, इंडिया को विकेट चाहिए थी 1। खैर, इस ओवर में 2 सिंगल आ गए, अरे ये तो ट्रिपल भी आ गया, 5 रन। मतलब अब वेस्ट इंडीज हार तो सकता ही नहीं और इंडिया जीत नहीं सकता। सचिन के ओवर की आखिरी बॉल, 1 रन, 1 विकेट, क्या होगा आगे। सचिन ने लेंथ बॉल डाला, जिसे बैट्समैन ने पीछे सेकंड स्लिप में एज कर दिया, और अजहरुद्दीन का एक लाजवाब कैच। ये तो चमत्कार हो गया। माइटी वेस्ट इंडीज 126 का मामूली सा टोटल ना चेज कर सकी। वर्ल्ड कप में तो फिर भी 183 रन थे, लेकिन यहाँ सिर्फ 126। एक एक रन के लिए तरस गए कैरेबियाई बैट्समैन। कहने को तो ये बस एक टाई था, मगर टाई नहीं, ये जीत से कहीं बढ़कर था। वो टीम जो आपसे कहीं अधिक ताकतवर थी, उसे लाकर खड़ा कर दिया बिलीफ ने। जी हाँ दोस्त, ये बिलीफ ही था, खुद पर आत्मविश्वास, जिसने ये चमत्कार कर दिखाया। इस सीरीज की शुरुआत तो धुआंधार हुई, आगे और भी चमत्कार इस सीरीज में हुए। इंडियन टीम इस सीरीज के फाइनल तक पहुंची, भले ही जीत ना सकी, लेकिन वहां तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन माइटी वेस्ट इंडीज फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। ये कॉन्फिडेंस ही था जिसने अंडरडॉग्स को चैंपियन से भिड़ने की मोटिवेशन दी। ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का पहला ओडीआई टाई था, यादगार, शानदार। और नेवर गिव अप एटीट्यूड, जिससे इंसान लाइफ में कुछ भी आसानी से कर जाता है। अजहर दी अंडररेटेड कैप्टन, जिसने अगर वेस्ट इंडीज को जीतने न दिया तो हमें हारने भी नहीं दिया। ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल जीत थी, जिसने हमें फाइनल खेलने में हेल्प की। ये थी कहानी इंडियन क्रिकेट के पहले टाइड मैच की, एक लो स्कोरिंग थ्रिलर की। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।